हेलो माय डियर सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे और अपनों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। आज की रीडिंग में हमारा टॉपिक होगा यू वर्सेस देम करेंट फीलिंग्स। आप क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं, उनके ख्यालात क्या हैं और आप दोनों को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ, आपको करना ये है हमेशा की तरह अपने पार्टनर का नाम शांति से अपने दिमाग में रिपीट कीजिए, उन पर ध्यान दीजिए, दोनों की अच्छी मेमोरीज याद कीजिए। उसके साथ हम शुरू करते हैं। ये कार्ड्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर और उनके पर्सन के दिमाग में अभी क्या चल रहा है। वी हैव एट ऑफ पेंटिकल्स, हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वाओ अमेजिंग, गॉड ब्लेस यू गाइस। ये देखिए, ये कार्ड देखे मैं बहुत खुश हूँ। फोर ऑफ वॉन्ड्स, ग्रेट, बैंड बाजा बारात। ओके, हमारे पास है टेम्परेंस, कंसंट्रेट कीजिए अपने पार्टनर पे, उनका नाम दोहराते रहिए अपने दिमाग में। हमारे पास है द हर्मिट, वाओ। हमारे पास है नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एक और कार्ड लेंगे। देखिए द चैरियट, परफेक्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके पार्टनर से। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कार्ड्स मुझे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पर्सन की काफ़ी ना रेस्टलेस एनर्जी है, यानी कि एक जगह बैठ नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी। सोचे जा रहे हैं, एक चीज़ को सोचे जा रहे हैं, क्या करें, सोचे जा रहे हैं दिमाग में, एक ही चीज़ बार बार चल रही है। इनफैक्ट मैं ये भी देख रही हूँ जो आपके पर्सन है ना, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की, लाइक अपने आप में बहुत ज़्यादा वर्कलोड ले रहे हैं, या तो अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर चले जाते हैं चिल करने के लिए, सो दैट ये सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती जाएँ। बट ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की, इमोशंस को दबाने की और चीज़ों को बिल्कुल ब्लर करके किसी और चीज़ पे फोकस करने की, बट ये चीज़ नहीं हो पा रही है। दिस हैज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम, बहुत ज़्यादा। और वो क्या चीज़ है, तो आइए देखते हैं। आपके जो पर्सन हैं वो क्लियरली यहाँ पे मैं सेंस कर पा रही हूँ, दे आर मिसिंग यू अ लॉट, हमेशा आपको याद कर रहे हैं। ये एक ऐसे इंसान हैं जो अक्सर बहुत सारे फ्रेंड्स से घिरे रहते हैं, या फिर आप देखते होंगे कि फैमिली मेम्बर्स ऐसे, हो सकता है कि सोशल मीडिया पे ये पिक्चर्स डालते हों कि या हम तो बहुत खुश हैं जी, हम कज़न्स के साथ घूमने जा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ मज़े कर रहे हैं। बट रियलिटी इज़ नॉट दिस। अगर आप हमारे कार्ड से पूछें तो कार्ड्स ये बताते हैं कि अंदर उनके कुछ और ही चल रहा है, अंदर से बिल्कुल असमंजस में है, ना दिल काबू में है ना दिमाग में। दिल चाहता है किसी को, उसे पाना चाहता है, उसके साथ ज़िंदगी बिताने की कोशिश करता है, आगे बढ़ना चाहता है, जो हुआ उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन दिमाग कहता है ठहर जाओ, क्योंकि दिमाग डरता है, दिमाग बहुत ज़्यादा डरता है। दिमाग ये सोचता है लॉजिकली, प्रैक्टिकल होके, क्या पता उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, क्या पता वो किसी और को डेट कर रहे हो। उनको मैं देख रही हूँ, रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा डर है, बहुत ज़्यादा। द थिंग इज़, वो भी जानते हैं कि अगर वो सामने आएंगे, अपोलोजाइज करेंगे, जो आप डिज़र्व भी करते हैं, सॉरी बोलना, माफ़ी मांगना, उससे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन ना मैं सेंस कर पा रही हूँ, ईगो तो बहुत कम बोलूँगी मैं,
दे आर सो लेज़ी। वो सोचते हैं कि चलिए ठीक है, जैसा भी हो चलने दो, चले जाएंगे चले जाएंगे। बट एक तरीके से ये भी है, दूसरे तरीके से ये है कि उनको डर सताया जा रहा है, आपको खोने का डर, आपसे दूर होने का डर, समझ नहीं आ रहा वो क्या करें। दूसरी तरफ मैं देख रही हूँ आप जो इतना ज़्यादा हर्ट होने के बाद भी, मैं बताती हूँ यहाँ पे क्लियरली आई कैन सेंस दैट आपकी लाइफ में एक पल ऐसा भी आया था जब आप बिल्कुल अकेले पड़ गए थे, किसी से कुछ बता नहीं पाते थे, दिल टूटा था। देखिए पहला दूसरा तीसरा हम नहीं जानते, प्यार तो आखिर प्यार ही होता है, दिल का कनेक्शन है, ऐसी फीलिंग जो एक के साथ फील होती है और दोबारा किसी और के साथ नहीं आ पाती, कुछ ऐसी ही चीज़ है प्यार। शब्दों में प्यार को बयान करना मुश्किल है, प्यार क्या है आप नहीं बता पाएंगे। अग्री करते हैं? डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पे जब उन्होंने आपका दिल तोड़ा, जब उन वो आपको छोड़ के गए, एकदम से मैं बहुत लोगों के लिए देख रही हूँ, कईयों के लिए तो वो बता के हुआ है सेपरेशन कि ठीक है अब हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, कईयों के लिए वो अचानक से पलट गए, उन्होंने अपना कंधा कर लिया अपनी तरफ, पीठ कर ली, अनजाने से हो गए, आपको लगा कि ये पर्सन तो ऐसा नहीं था, थर्ड पार्टी की तरफ चले गए, अचानक से मैसेज करना बंद कर दिया, अचानक से रिप्लाई करना बंद कर दिया, उसकी क्या वजह थी आप सोचते रह गए। और कई टाइम के लिए, कईयों के लिए मैं देख रही हूँ काफ़ी सालों के लिए, दिनों तक वो बिल्कुल खो गए, लॉस्ट हो गए कि अचानक क्या हुआ, आप अकेले अकेले से रहने लग गए, चेहरे का ग्लो चला गया, चेहरे पे साफ दिखता था कि कुछ ऐसा हो गया है आपकी लाइफ में, किसी चीज़ पे कोई ध्यान नहीं, अकेले रहने लग गए, अंदर ही अंदर घुटने लग गए, ऐसा क्यों ऐसा क्यों, और उससे भी ज़्यादा प्रार्थना करने लग गए, काश मेरा प्यार वापस आ जाए, काश मेरे पर्सन को मेरी फीलिंग्स की कदर हो जाए। ये चीज़ मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। देखिए अब क्या हो रहा है, मैं देख रही हूँ काफ़ी लोगों के लिए, सपोज़ मेरी रीडिंग के थ्रू या फिर यूनिवर्स की गाइडेंस के थ्रू आपने धीरे 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 अपने आप को उठाया है, ठीक है, और उठाने के बाद आपने फाइनली डिसाइड किया है कि नहीं अब बहुत हुआ, हमें भी कुछ करना पड़ेगा, हमें भी अपनी लाइफ की बागडोर अपने हाथ में लेनी है। तो मैं आपके लिए देख रही हूँ कि आप धीरे धीरे, कईयों में से तो ऐसे हैं कि उठ चुके हैं और कई रोज़ उठने की कोशिश करते हैं। देखिए किसी चीज़ से उबरने के लिए जो आपकी हीलिंग होती है, हीलिंग प्रोसेस इज़ नॉट ईजी, वो एक दिन में या एक मिनट में नहीं आ जाती कि हाँ तय कर लिया तो हो गया, इट टेक्स टाइम, डेज ईयर्स मंथ्स लाइफ टाइम। कई जल्दी कर लेते हैं, कोई पूरी लाइफ बिताते हैं लेकिन करते रहते हैं साथ ही साथ। तो ये चीज़ें अब आपने फाइनली डिसाइड की कि मैं अपनी लाइफ की बागडोर अपने हाथ में लूँ। अब चलते हैं आपके पर्सन की तरफ, उनका क्या हाल है। जैसे कि मैंने पहले बताया, दे वॉन्ट टू कम बट उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे करना है क्या करना है। दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है बार बार, लेकिन उसे कैसे एग्जीक्यूट करें, प्रेजेंट कैसे करें, ये चीज़ समझ नहीं आ रही। वो भी खोए हुए हैं, आप भी खोए हुए हैं। नाइट ऑफ वॉन्ट्स बहुत लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ, इट्स अ फ्रेश एनर्जी, न्यू एनर्जी। इससे ये सिग्निफाई मैं कर सकती हूँ कि काफ़ियों के लिए आपके पार्टनर आपसे यंग भी हो सकते हैं, या हो सकता है आप दोनों में थोड़ा एज डिफरेंस हो, और कई तो मुझे मैरिड भी लग रहे हैं डेफिनेटली, और अभी सेपरेशन में है। तो आपके जो पर्सन है ना, उनके दिमाग में हमेशा डोमिनेंटली यही चलता रहता है कि कैसे आगे आना है, कैसे आपको परस्यू करना है, कैसे अपोलोजाइज करना है। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड से क्लियर होता है कि दे आर ऑन इट, ये चीज़ें उनके दिमाग में चलती हैं, भले ही किसी को ना बताएं, बट आना वो चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं यू आर द वन फॉर देम। कार्ड्स ये बिल्कुल क्लियरली बता रहे हैं, ठीक है। अब आगे क्या है फ्यूचर आप दोनों के रिलेशनशिप का,
तो यहाँ पे देखिए, फोर ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ सेलिब्रेशन. दिस कार्ड क्लियरली टेल्स दैट. ओके माय लवली, इस कार्ड से मुझे याद आया, मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स पढ़े थे अपने वीडियो के नीचे, कई बार पढ़े हैं कि मैम प्लीज़ कार्ड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए, ये कौन से कार्ड है, आपने कहाँ से लिए हैं, क्या हम इसे परचेज़ कर सकते हैं. डेफिनेटली डेफिनेटली आप भी ले सकते हैं, आप अपने लिए लेना चाहें तो भी ले सकते हैं. तो डियर मैं क्या करूँगी ना, अभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दे दिया करूँगी, आप वहाँ जाइए, वहाँ से चेकआउट कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन विद प्राइजेस, ठीक है. जितने भी कार्ड्स मैं यूज़ करती हूँ, जो जो मैंने जितने भी रीडिंग के लिए यूज़ किए हैं, आपको सभी की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. आप सभी की, काफ़ियों की रिक्वेस्ट थी, मैंने बहुत टाइम से देख रही हूँ, ठीक है. आप अभी जाके चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी, सारे लिंक्स वहीं पर ही हैं. ओके थैंक यू. तो आपके जो पर्सन हैं उनके दिमाग में ये चलता है कि क्यों ना हम दोनों एक हो जाएं. इट्स अ सेलिब्रेशन, इट्स अ मैरिज. ये देखिए दो लोग कितने ज़्यादा खुश हैं, एंड दिस कार्ड इंडिकेट्स दैट ये डोमिनेंटली उनके दिमाग में यही चलता है, कमिटमेंट. अब वो थक चुके हैं टाइम पास कर करके, वो नहीं चाहते अब किसी और के साथ टाइम पास करे या फिर रिलेशनशिप में आ जाए, वो खुद चाहते हैं, जैसे कि आप भी यही चाहते हैं बिल्कुल करेंटली. और ये वीडियो जब भी आप देखें, ये वीडियो टाइमलेस होगी, तो उस टाइम पे ये आपकी फीलिंग्स है और ये उनकी फीलिंग्स है जो मैं आपको बता रही हूँ. वो इस टाइम पे यही चाहते हैं कि क्यों ना एक बंधन में बांधे एक दूसरे को, कमिटेड हो जाएं कि अब बस एक बार हो गए तो दूर जाने का कोई सवाल ही नहीं, कोई अलग ना कर पाए. इट्स अ मैरिज कार्ड, इट्स अ सेलिब्रेशन. चीज़ें टर्न होंगी ज़रूर, और उनके दिमाग में यही चल रहा है, लेट्स गेट मैरिड, दे वॉन्ट टू प्रपोज यू, दे वॉन्ट टू मैरी यू. क्लियरली ओके, तो दे आर थिंकिंग अबाउट इट डे एंड नाइट, और इस चीज़ के लिए वो रेडी हैं. फाइनली दे आर कमिंग टू यू. लेट्स सी सम मोर गाइडेंस. स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, यानी कि आपके पर्सन के लिए यही मैसेज है कि अपनी कम्फर्ट जोन से निकलिए. अगर आप चाहते हैं मूव लेना तो आइए सामने की तरफ आइए, और वो बहुत जल्द अपने कम्फर्ट जोन से निकलेंगे, आई एम श्योर अबाउट इट. लेट्स सी, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड. उनको अपने विजन में एडजस्टमेंट करनी होगी, ठीक है. अपने फियर को छोड़ के, अपनी लेजीनेस को छोड़ के, बाकी अपनी ओवर थिंकिंग को छोड़ के सामने ज़रूर आना होगा, तभी चीज़ें आगे की ओर आ पाएंगी. और डेफिनेटली ये पर्सन यही सोच रहे हैं, यू आर अ मैरिज मटेरियल फॉर देम. लेट्स सी सम लव मैसेजेस. थैंक यू. ये कह रहे हैं, यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विद मी. आपकी कुछ खूबियाँ बता रही हैं जो और किसी में उन्होंने नहीं पाई इतने सालों में. कितने लोग आए, कितने लोग गए, आप बिल्कुल डरते नहीं हैं किसी से, आप फियरलेस हैं. आप कोई भी सिली चीज़ें हैं उनके साथ करते हैं, और वो इंसान तभी ऐसा करता है जब किसी से वो क्लोज हो. वाओ, वो डीपली जानते हैं आपको. आई मिस यू इवन व्हेन यू आर इन द नेक्स्ट रूम. हमेशा याद आती है आपकी, कितने भी पास हों. अगर अगले कमरे में ही हो तब भी वो चाहते हैं कि आप उन्हीं के पास रहें. ये देखिए, यू केयर अबाउट हाउ आई फील. उनको कैसा फील होता है आपको, इस बारे में हमेशा चिंता रहती है. यू केयर अबाउट देम, और ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है. यू हैव मैजिक हैंड्स दैट फिक्स एवरीथिंग. आपके हाथों में जादू है,
आपकी एक स्पर्श उनकी सारी चीज़ों, सारी प्रॉब्लम्स का हल है। वो चाहते हैं आपसे दोबारा मिले, चीज़ों को ठीक करें और दोबारा से आपको फील कर पाएं। दिस पर्सन लव्स यू अलॉट। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में एक प्यारी सी रिंग लेके, ठीक है? तब तक के लिए आप सारे लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। आपकी जो भी डिमांड्स होगी उन पे हम आने वाले टाइम पे रीडिंग ज़रूर लाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।